माध्यम से फायदा पहुंचाने का झांसा देकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री सचिन यादव ने सनावत के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र महबूबपुरा में मुस्लिम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन शत प्रतिशत वोटिंग कराने की बात कही। खंडवा लोकसभा के चुनाव में सभी जगह से अरुण यादव को समर्थन मिल रहा है और निश्चित ही 23 मई के होने वाली मतगणना में अरुण यादव की जीत होगी, उसको हासिल करने के लिए आपको भरकस प्रयास करना है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री से लगाकर सांसद विधायक सब झूठ बोल रहे हैं। सेल्दा पावर प्लांट के बारे में कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान ने चांद और सूरज को भी उन्होंने ही बनाया है। कहते हैं करौली में हुई घटनाक्रम को लेकर उनका कहना था कि नंद कुमार सिंह चौहान अपनी हार के आसार को लेकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। सनावत से आसिक अली की रिपोर्ट। से काला धन समाप्त हो गया या नोटबंदी करने से जो नकली नोट छपते थे वो बंद हो गए। एक भी दावा जो उन्होंने करा था नोटबंदी को लेकर के एक भी पूरा नहीं। उन्होंने GST के कारण आज उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन विभिन्न दरें जो हैं GST की लागू की गई, इतनी जल्दीबाजी में लागू की गई, सिर्फ श्रेय लेने के लिए लागू की गई योजना है और उसका आज इतना बुरा असर जो है लोगों में पड़ रहा है कि आज भी लोग अपनी उसके दुष्प्रभावों से जो है बाहर नहीं निकल पाए। पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और नए उद्योग स्थापित होना तो दूर की बात, जो उद्योग चल रहे थे वो भी मोदी जी की और BJP की नीतियों के कारण बंद के कगार पर।